हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ, समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोज भी अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पज में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो निफ्टी के साथ। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 11,440 के पास और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 29,586 के ऊपर। तो जो दो दिन से हमें फ्राइडे और मंडे को तेजी दिखाई दी थी तो अभी मार्केट में जो है फिर से डाउनसाइड के लेवल्स दिखाना स्टार्ट हो गया है, फिर से मार्केट जो है डाउनसाइड के लिए हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वी रिमेन कॉशियस ऑन द मार्केट एज इट इज होवरिंग अराउंड इट्स पीक लेवल्स एंड सम कंसोलिडेशन कैन बी एक्सपेक्टेड इन द नियर टर्म। सो फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिवाइवल इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल बी क्रूशियल। सो एज इट इज लाइकली टू डिक्टेट फर्दर मार्केट ट्रेंड ऑन द ग्लोबल फ्रंट, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बिटवीन यूएस ईरान वुड बी ऑन इन्वेस्टर्स रडार। सो एज वेल एज एनी फर्दर एस्केलेशन ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर वुड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल मार्केट्स एंड इकोनॉमी। सो अनसर्टन मार्केट कंडीशंस ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स शुड बी सिलेक्टिव इन स्टॉक पिकिंग। तो यहाँ पे जो है आप थोड़ा कॉशियस रहिए, ये मैंने पिछले दो वीडियो से आपको बताती आ रही हूं मैं कि अभी थोड़ा बहुत मार्केट जो है कंसोलिडेशन करेगा, इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है तो यहां से थोड़ा सावधान हो जाइए, आप फिलहाल कोई भी लॉन्ग के लिए मत जाइए, थोड़ा बहुत मार्केट को नीचे आने दीजिए, आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर से लॉन्ग के लिए पोजिशंस मिल जाएंगी। तो फिलहाल अभी हम लोग पहले देख लेंगे निफ्टी का ऑप्शन डेटा। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी की 26 सितंबर की ऑप्शन चेन है और निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 11,440 के पास। तो हम लोग ऑप्शन डेटा से ये फाइंड करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आज कहाँ कहाँ पे राइटिंग हमें देखने को मिली है। तो 11,440 के पास क्लोजिंग आई है, इसका मतलब हम लोग 11,450 के ऊपर एट दी मनी है। तो अगर हम लोग देखते हैं 11,400 के लेवल के ऊपर तो कॉल साइड में 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है, वही उसके सामने अगर पुट साइड में देखें तो 27 लाख का हमें ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस अच्छा खासा बना हुआ है। तो ये लेवल जो है निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करते हुए हमें दिखाई देगा और अगर ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे गिरते हुए हमें दिखाई दे सकता है। फिलहाल अगर हम और नीचे के लेवल की बात करें तो 11,300 के ऊपर कॉल साइड में 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और पुट साइड में 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है, वही 11,300 के ऊपर कॉल साइड में 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट हुई है, वही पुट साइड में देखा जाए तो 2,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग दिखाई दे रही है। तो अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 11,500 के ऊपर कॉल साइड में 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, वही उसके सामने पुट साइड में 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। वही अगर 11,500 के लेवल के ऊपर देखें तो 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है, वही पुट साइड में देखें तो 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक लेवल जो है निफ्टी के लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें दिखाई देगा नेक्स्ट सेशन के लिए। 16 लाख की राइटिंग हुई है
कॉल साइड में हम देख सकते हैं 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई दिखाई दे रही है, वही उसके सामने पुट साइड में 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट हुई है। वही और ऊपर के लेवल की बात करें तो 11,600 के ऊपर कॉल साइड में 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 7,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई दिखाई दे रही है। वही पुट साइड में जाए तो 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट दिखाई दे रही है 11,600 के लेवल के ऊपर। तो अगर हम लोग अभी देखते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है कॉल और पुट साइड में, तो कॉल साइड में तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 35 लाख का, जो कि है 11,500 के लेवल के ऊपर। वही अगर पुट साइड में हम लोग देखें तो पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ पे खड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो लेवल है 28,72,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, कहाँ पे 10,800 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है 28,68,000 का, जो कि है 11,000 के लेवल के ऊपर। तो अगर हम लोग आज देखें सबसे ज्यादा राइटिंग हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है कॉल और पुट साइड में, तो कॉल साइड में तो 16 लाख की राइटिंग हुई है 11,500 के लेवल के ऊपर। वही अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में 5,79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 11,400 के लेवल के ऊपर। वही अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें एग्जिट दिखाई दे रही है कॉल साइड में, आप देख सकते हो 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट हुई है 11,800 के पोजीशन से, 3,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट हुई है 11,900 के लेवल के ऊपर से। तो नियर टर्म के लिए फिलहाल जो ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है तो निफ्टी का अगर 400 टूटता है तो निफ्टी कहाँ तक जाएगा, तो निफ्टी 200-250 के तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अगर मैं एक रेंज की बात करूं निफ्टी 50 के, तो निफ्टी की जो रेंज मुझे नजर आ रही है तो वो रहेगी 200-250 से लेके 700-750 के बीच में। तो अभी निफ्टी के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो देख लिया है, तो अभी चलते हैं निफ्टी के लिए चार्ट के ऊपर, हम लोग अपने लेवल्स देख लेते हैं। तो मेरे सामने निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 440 के पास आई है, और आज निफ्टी ने 410 के पास अपना लो बनाया था। दो दिन निफ्टी ने रेड कलर की कैंडल फॉर्म की है, तो अभी आगे निफ्टी में क्या होगा तो देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियोज में आपको कहा था निफ्टी के लिए 695 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होता है, तब तक निफ्टी के अपसाइड के कोई भी चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हडल है, ये जब क्लियर होगा तभी निफ्टी आगे की तरफ चला जाएगा। वही डाउनसाइड के लिए ये गैप जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक निफ्टी इसके बीच में है तब तक निफ्टी पॉजिटिव है, अगर ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है, तो निफ्टी यहाँ तक गिर सकता है, ये मैंने पहले भी आपको कहा था। वही क्रूशियल सपोर्ट अगर मैं बोलूं तो क्रूशियल सपोर्ट 110 के पास है, जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक निफ्टी में पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ बनी हुई है, अगर ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी में फिर से हम लोग 10,600-500 तक के लेवल्स देखेंगे। वही अगर ये लेवल नहीं टूटेगा तो निफ्टी हमें 11,800-900 के तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो 11,440 के पास अभी क्लोजिंग आई है। निफ्टी के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो वो लेवल है ये आज का लो, अगर ये लो टूटता है तो निफ्टी कहां तक नीचे जा सकता है, तो निफ्टी 350-380 तक नीचे जा सकता है। वही अपसाइड की मैं बात करूं तो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 480-500 का जोन और उसके बाद में 550 का लेवल,
ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। देखिए फिलहाल तो निफ्टी 250 से लेके 700 तक कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ समय के लिए, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो भी लोग ऑप्शंस लेके बैठे हैं उनका प्रीमियम बहुत ही डीके हो जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए ऑप्शन से दूर रहिए, निफ्टी निफ्टी बैंक या आप स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। सो अभी निफ्टी के लिए हमने एनालिसिस कर लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मेरे सामने अभी बैंक निफ्टी की 26 सितंबर की ऑप्शन चेन है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 29,586 के पास। तो जैसे मैंने आपको कहा था, अगर 30,000 का लेवल टूटेगा तो निफ्टी बैंक कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने आपको कहा था 29,500 के तरफ निफ्टी बैंक चला जाएगा और आज हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। 29,500 की तरफ निफ्टी बैंक के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, निफ्टी बैंक ने 29,470 का लो बनाया था लेकिन उसके नीचे नहीं गया, 29,500 के ऊपर अभी फिलहाल क्लोजिंग दे दी है। तो अभी आगे निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है, तो फिलहाल हम लोग पहले निफ्टी बैंक का ऑप्शन डेटा देख लेंगे। तो मेरे सामने 26 सितंबर की ऑप्शन चेन है और 29,586 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब हम लोग 29,500 और 600 के बीच में एट द मनी है। तो अगर हम लोग 29,500 की तरफ देखते हैं कॉल साइड में, तो 1,69,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग दिखाई दे रही है कॉल साइड में। वही पुट साइड में जाए तो 4,91,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट दिखाई दे रही है। वही और नीचे के लेवल की बात करें तो 29,000 के ऊपर कॉल साइड में 1,19,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और 10,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट भी हुई दिखाई दे रही है। वही पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो पुट साइड में 5,58,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई दिखाई दे रही है। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 30,000 के ऊपर कॉल साइड में 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है, वही उसके सामने पुट साइड में 1,93,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। वही 30,000 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में 4,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई दिखाई दे रही है, वही 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट भी दिखाई दे रही है पुट साइड में। तो अगर हम लोग देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है दिखाई दे रहा है फिलहाल, तो वो है 8,99,000 का, जो कि है 30,000 के लेवल के ऊपर। वही पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो लेवल है 5,58,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 29,000 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए अभी एक फिलहाल क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है, अगर ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी बैंक को कोई नहीं बचा सकता, फिर निफ्टी बैंक हमें 27,000 तक गिरते हुए भी दिखाई दे सकता है। वही अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस की बात करूं तो 30,000 का लेवल, ये लेवल जो है निफ्टी बैंक के लिए फिलहाल अभी हडल का काम करते हुए दिखाई देगा, लेकिन जब तक निफ्टी बैंक 29,500 होल्ड रख रहा है तब तक चांसेस है 31,000 तक के। लेकिन अगर ये लेवल टूटेगा, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो निफ्टी बैंक कहाँ तक गिर सकता है, तो निफ्टी बैंक हमें 28,500 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी बैंक के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो अभी देख लिया है, तो चलिए चलते अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के।
तो मेरे सामने फिलहाल निफ्टी बैंक का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई है 29,586 के पास। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिलहाल निफ्टी बैंक ने 29,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो अभी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक 29,500 को होल्ड रख रहा है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में अगर ये लेवल टूटता है, 29,500 का लेवल टूटेगा, तो निफ्टी बैंक कहां पे जाएगा, तो निफ्टी बैंक कहां तक जा सकता है। तो निफ्टी बैंक के लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा यहां से 29,300 का लेवल। अगर ये लेवल भी निफ्टी बैंक ने होल्ड नहीं रखा तो निफ्टी बैंक हमें 29,050 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अपसाइड की मैं अभी बात करूं तो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 29,800 का लेवल और 30,000 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। निफ्टी बैंक को 30,000 के ऊपर स्टेबल होना इम्पोर्टेंट है, तभी हम लोग 31,000 और 31,200-31,300 तक के लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। तो निफ्टी बैंक के लिए भी मैंने अपने एनालिसिस कर लिया है, अपने लेवल्स आपको बता दिए हैं। आप सब लोग ये सब लेवल्स जो है वो अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल होगा। और मैं हर रात को ट्रेडिंग प्लान शेयर करती हूँ नेक्स्ट डे के लिए अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आपने अगर मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको भी डीमैट अकाउंट खोलना है तो अपस्टॉक्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको अपस्टॉक्स के थ्रू अकाउंट ओपन करना है तो फिलहाल अभी जो अच्छी अच्छी स्कीम्स चल रही है, फ्री डीमैट अकाउंट चल रहा है, 200 कैशबैक चल रहा है और बहुत सारे ऐसे अच्छी स्कीम्स अपस्टॉक्स ने निकाली है, तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर तक है। तो जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। अपस्टॉक्स की लिंक जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा वर्क अच्छा लगा होगा, मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल के लिए डोनेशन भी कर सकते हो। डोनेशन की लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। सो बस आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, लाइक किए बिना मत जाना। और अगर वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उन सबको कहना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।